बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक जगत में। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसे कैसे और कहाँ से बनवाया जाता है। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना एक ऐसा काम है जिसमें ज़रा सी सावधानी हटी तो नुकसान पक्का है। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक 7 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है भार मुक्त प्रमाण। इसमें हमें प्रॉपर्टी के असली मालिक, प्रॉपर्टी की कितनी बार ट्रांजैक्शन हो चुकी है के बारे में पता चलता है। प्रॉपर्टी पे किसी थर्ड पार्टी क्लेम तो नहीं है, प्रॉपर्टी पे कोई अदर चार्ज या कोई कानूनी अड़चन या फिर कोई बैंक लोन जैसी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस सर्टिफिकेट के माध्यम से मिल जाती है। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के इम्पोर्टेंस की बात करें तो अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं या फिर बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो यह सर्टिफिकेट सबसे पहले बैंक के द्वारा मांगा जाता है, या फिर जिसे हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो खरीदने वाली पार्टी भी इस सर्टिफिकेट की डिमांड रख सकती है। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट को कई राज्यों में ऑनलाइन बनाया जा रहा है। इसे आप तहसीलदार ऑफिस जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसमें आपसे फीस भी चार्ज की जाती है। अप्लाई करने के 15 से 20 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें।